इस सेक्शन में हम सीखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज सेम। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अगर उस सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लें तो सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन An-1 An अगर एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस अगर GP में है तो यहाँ पर अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लें तो सेम आना चाहिए। इसका मतलब है A2 बाई A1 विल बी इक्वल टू A3 बाई A2 विल बी इक्वल टू A4 बाई A3 एंड सो ऑन। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम रेशियो लें तो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर An बाय N-1 भी इसी रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पर ये सारे रेशियो सेम होते हैं जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, उसको हम R से डिनोट करते हैं। तो R यहाँ पर कॉमन रेशियो हो गया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लें, मतलब A1 इंटू An, तो ये इक्वल होगा A2 इंटू An-1, मतलब सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड लास्ट। इसी तरह से ये इक्वल होगा थर्ड टर्म इंटू थर्ड लास्ट टर्म, दैट इज An-2 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल के लिए एक हम GP ले लेते हैं, 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32, ये सारे नंबर्स GP में हैं। तो अगर हम फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लें तो हमें मिलेगा 1 into 32, दैट विल बी इक्वल टू 32। और अगर सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लें तो हमें मिल जाएगा 2 into 16, दैट विल बी 32। और अगर थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लें तो हमें मिलेगा 4 into 8, दैट विल बी 32। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म। और अगर इस GP के नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होते तो फोर्थ टर्म इंटू फोर्थ लास्ट टर्म भी सेम आता, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम सबको बराबर कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। इस GP का अगर कॉमन रेशियो निकालें तो हमें मिलेगा 2/1 इक्वल टू 4/2, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो हो जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 16/8, दैट विल बी इक्वल टू 32/16। तो सबको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और इसको हम R बोलते हैं। तो ये चीज़ भी याद रखिए, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है, उसी को हम कॉमन रेशियो R बोलते हैं। और यहाँ पर कॉमन रेशियो 2 है। तो इस GP का कॉमन रेशियो हमें मिल गया 2। अब हम सीखेंगे कि nth टर्म कैसे निकालते हैं GP का। अगर सारे नंबर GP में हैं तो हमें कॉमन रेशियो R मिल जाएगा A2/A1। तो यहाँ से A2 आ जाएगा A1 into R। तो यहाँ पर A3/A2 भी R के बराबर होगा, क्योंकि अगर टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो लें तो सेम ही आता है, उसी को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से A3 आ जाएगा A2 into R। A2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा A1 into R into R। ये हो जाएगा A1 into R²। तो यहाँ से हमें A3 मिल गया A1 into R²। इसी तरह से A4/A3 भी R के बराबर होगा। तो यहाँ से A4 आ जाएगा A3 into R। यहाँ पर A3 की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ से, तो ये मिल जाएगा A1 R² into R, दैट इज इक्वल टू A1 into R³। तो हमें A4 मिल जाएगा A1 into R³। इसी तरह से अगर हम A5 निकालेंगे तो A5 हमें मिलेगा A1 into R^4
और अगर ए सिक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए वन इंटू आर की पावर फाइव एंड सो ऑन। अगर ए एन निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए वन इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और यही होता है nth टर्म ऑफ जी पी। तो इसको याद रखिए, ये फॉर्मूला nth टर्म निकालने के काम आएगा जी पी का। nth टर्म इज इक्वल टू ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन। ए वन यहाँ पर फर्स्ट टर्म है जी पी का और आर यहाँ पर कॉमन रेशियो है। एक चीज़ और याद रखिए कि अगर हमें जी पी अज्यूम करना पड़े तो हम अज्यूम करेंगे फर्स्ट टर्म को ए, सेकेंड टर्म को ए आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म को ए आर क्यूब, फिफ्थ टर्म को ए आर पावर फोर एंड सिक्स टर्म को ए आर पावर फाइव एंड सो ऑन। लास्ट टर्म को हम एज्यूम करेंगे एंथ टर्म को ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, और ये सारे टर्म्स जी पी में होंगे। तो अगर हमें एक जी पी एज्यूम करना है तो हम इस तरह से एज्यूम करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम रेशियो लें तो आर के बराबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए ए आर बाई ए इज इक्वल टू आर, ए आर बाई ए इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर बाय ए आर, यहाँ भी आर आएगा एंड सो ऑन। अगर हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर रेशियो लेंगे तो हमें आर ही मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे टर्म्स जी पी में हैं। तो अगर हमको कोई जी पी एज्यूम करना है तो हम इस तरह से एज्यूम करेंगे। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ जी पी, और हमें एक जी पी दिया हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हम ए वन मान लेते हैं और फर्स्ट टर्म है हमारा वन, सेकेंड टर्म को हम ए टू मान लेते हैं, सेकेंड टर्म है सेवन, और थर्ड टर्म को हम ए थ्री मान लेते हैं, थर्ड टर्म है 49, और ऐसे जी पी बढ़ती जाएगी। हमें टेंथ टर्म निकालना है। आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हमारा nth टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर पावर एन माइनस वन, और r यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है, तो r आ जाएगा 7/1, दैट विल इक्वल टू 49/7। तो यहाँ पर r हमें 7 मिल गया। यहाँ पर ए वन पता है 1 और r पता है 7। तो अगर हमें टेंथ टर्म निकालना है तो n का जगह 10 डाल दीजिए, तो हमें ए 10 मिल जाएगा, 1 इंटू 7 की पावर 10 माइनस 1, एन का जगह हमने 10 डाल दिया, तो हो जाएगा 7 की पावर 9। तो हमें टेंथ टर्म मिल गया, दैट इज ए 10 इक्वल टू 7 की पावर 9, और यही हमारा आंसर है। अब हम सीखेंगे कि जी पी का सम कैसे निकालते हैं, सम अप टू एन टर्म्स ऑफ अ जी पी। तो हम एक जी पी एज्यूम कर लेते हैं, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर एन माइनस टू, ए आर पावर एन माइनस वन, ये सारे टर्म जी पी में होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है। अगर हमें कोई जी पी एज्यूम करना है तो ये सारे टर्म एज्यूम करते हैं। ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म है और आर यहाँ पर कॉमन रेशियो है, तो यहाँ पर हम एस एन एज्यूम कर लेते हैं, सम अप टू एन टर्म्स। तो हमारा एस एन हो जाएगा, सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, सारे टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, तो ये जी पी के एन टर्म्स का सम हो जाएगा। यहाँ पर हम दोनों साइड को आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा आर इंटू एस एन इक्वल टू, ए में जब आर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए आर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, इसमें जब आर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इसमें जब आर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, इस टर्म में जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए इंटू आर पावर एन। इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन टू मान लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से सबट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने से ये हो जाएगा आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू, ये सारे टर्म को इन सारे टर्म से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सारे टर्म्स लिख लेते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ ये सारे टर्म्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा, ये टर्म इसके नेक्स्ट टर्म से कट जाएगा,
और ये वाला टर्म इसके प्रीवियस टर्म से कट जाएगा और ये वाला टर्म इससे कट जाएगा। तो ये हो गया, यहाँ से एस एन कॉमन ले लीजिए, एस एन इंटू आर माइनस वन, और राइट साइड बचा ए आर पावर एन माइनस ए। यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा ए आर पावर एन माइनस वन, ये हो गया एस एन इंटू आर माइनस वन के बराबर। तो यहाँ से एस एन आ जाएगा ए इंटू आर पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन। इसको लिख सकते हैं ए इंटू वन माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस एन कॉमन लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा और माइनस एन कट जाएगा। तो एस एन हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं और ये फार्मूला हो गया सम अप टू एन टर्म्स ऑफ जी पी के लिए। यहाँ पर आर की वैल्यू वन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आर वन हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म्स नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो हम सम कैसे निकालेंगे जी पी, उसका भी सॉल्यूशन है। तो हमारा जो जी पी था ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर एन माइनस वन, ये लास्ट टर्म था nth टर्म, ये सारे जी पी के टर्म्स हैं। तो अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो यहाँ पर आर की वैल्यू वन डाल दीजिए तो ये हो जाएगा ए ए ए ए, सारे टर्म्स ये हो जाएंगे। अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो ये सारे टर्म्स वन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप आर की जगह वन डाल देंगे तो हमें सब सारे टर्म्स ए मिल जाएंगे। और अगर इन सारे टर्म्स का सम निकालना है, सम अप टू एन टर्म्स, तो सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि एन टर्म्स हैं तो ये एन टाइम्स ऐड होगा तो हमें सम मिल जाएगा एन टाइम्स ऑफ ए, तो हमें सम मिल जाएगा एन ए। और ये हो गया सम अप टू एन टर्म्स ऑफ जी पी इफ़ आर इज इक्वल टू वन। तो अगर आर की वैल्यू वन हो गई तो सारे टर्म सेम हो जाएंगे, सारे टर्म फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएंगे, और अगर सारे टर्म फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएंगे तो सिंपली हम सबको ऐड कर देंगे तो हमें सारे टर्म्स का सम मिल जाएगा और वो एन टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म होगा। तो ये चीज़ भी आप याद रख लीजिए। अब हम सीखते हैं कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जी पी कैसे निकालते हैं। तो अभी हमने फाइनाइट टर्म्स ऑफ जी पी का सम निकालना सीखा। ये जो जी पी है ये फाइनाइट टर्म्स वाला जी पी है, और इसका सम हमने निकालना सीख लिया। जब सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमें जी पी का सम मिल जाएगा, और वो हमने निकाला था एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। इस फॉर्मूले से हमने फाइनाइट टर्म्स ऑफ जी पी का सम निकालना सीखा। बट इफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो हमें जी पी के इन्फिनाइट टर्म्स मिलेंगे। अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है तो हमें जी पी के इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। तो हमारा इन्फिनाइट जी पी हो जाएगा अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करती है, तो हो जाएगा ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यू एंड सो ऑन, इसमें इन्फिनाइट टर्म्स होंगे। और अगर जी पी में इन्फिनाइट टर्म्स होती हैं तो हम बोलते हैं कि इन्फिनाइट जी पी है। इन्फिनाइट जी पी में हम कॉमन रेशियो आर को अज्यूम कर लेते हैं कि ये फ्रैक्शनल है, मतलब माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। तो आर यहाँ पर फ्रैक्शन है, तो हमने मान लिया कि आर एक फ्रैक्शन है। अगर हमें इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो उसको हम एस इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे, और हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, सारे टर्म्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इन्फिनाइट टर्म्स मिलेंगी। और इन्फिनाइट टर्म्स का सम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम एन को इन्फिनिटी टेंड करवा दें तो हमें एस इन्फिनिटी मिल जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए इंटू आर पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। तो हमने इस फॉर्मूले को लिख लिया, इसमें लिमिट हमने एन टेंड टू इन्फिनिटी कर दिया तो हमें एस इन्फिनिटी मिल जाएगा, हमें इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ जी पी का सम मिल जाएगा। यहाँ पर हमने आर को फ्रैक्शनल अज्यूम कर रखा है, तो अगर आर फ्रैक्शनल है और एन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है तो ये टर्म जीरो को टेंड करेगी। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू में इन्फिनाइट का पावर दे दें तो टर्म जीरो को टेंड करती है, तो हमें ये मिल जाएगा लिमिट माइनस ए, यहाँ माइनस ए बचेगा अगर आर पावर एन जीरो को टेंड करेगी तो, और डिनोमिनेटर हमें आर माइनस वन बचेगा। तो माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा ए बाय वन माइनस आर,
यहाँ से s इन्फिनिटी हमें मिल गया a बाय 1 माइनस r। तो ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ gp। तो अगर हमें इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालना है gp का तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर r की वैल्यू फ्रैक्शन है तो। r की वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शनल होना चाहिए तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, और ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि r की जो वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है, मतलब r फ्रैक्शनल है, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए। तो हम कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एक जीपी दिया हुआ है, उस जीपी का हमें सम निकालना है। इस जीपी का इन्फिनाइट टर्म्स हैं तो इसलिए इन्फिनाइट जीपी है, इसलिए इसका हम सम निकालेंगे एस इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनाइट जीपी है तो हम एस इन्फिनिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फिनाइट टर्म्स का सम निकालना है हमें। तो हो जाएगा ए बाय वन माइनस आर, ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो हमें ए पता है फर्स्ट टर्म दैट इज़ टू बाय थ्री। हम आर निकाल लेते हैं कॉमन रेशियो, किसी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें आर मिल जाएगा। तो हो जाएगा टू बाय थ्री स्क्वायर बाय टू बाय थ्री, तो हमें मिल जाएगा टू बाय थ्री। तो यहाँ पर आर की वैल्यू फ्रैक्शनल है, तो अगर आर फ्रैक्शनल है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आर यहाँ पर माइनस वन से वन के बीच में लाई करता है। तो अगर n इन्फिनिटिव टेंड कर रही है, मतलब इन्फिनाइट टर्म्स हैं, तो यहाँ पर हमें इन्फिनाइट जीपी दिया हुआ है तो n की वैल्यू इन्फिनाइट को टेंड करेगी, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं s इन्फिनिटी हो जाएगा इन्फिनाइट टर्म्स का सम a बाय वन माइनस आर। a की वैल्यू है टू बाय थ्री दैट इज़ फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय वन माइनस आर, आर हमने निकाला टू बाय थ्री, तो हो जाएगा टू बाय थ्री बाय वन बाय थ्री दैट इज इक्वल टू टू। तो हमें जीपी का सम मिल गया टू, इन्फिनाइट जीपी का सम टू मिल गया, और यही हमारा आंसर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया हुआ है, हमें जीपी का सम निकालना है, ये एक जीपी है तो यहाँ पर 20 टर्म्स हैं इसलिए फाइनाइट जीपी है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है ए, तो हमें ए मिल गया थ्री, कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं आर, किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को डिवाइड करके तो हो जाएगा सिक्स बाय थ्री दैट इज़ टू। 20 टर्म्स हैं इसलिए n की वैल्यू भी मिल गई हमें दैट इज़ 20। फाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन। यहाँ पर हमें 20 टर्म्स का सम निकालना है तो हमें एस 20 निकालना है, n की जगह 20 डाल दीजिए तो ये हो जाएगा ए इंटू आर पावर 20 माइनस वन बाय आर माइनस वन। ए की वैल्यू है 3 तो डाल दीजिए, आर की वैल्यू है 2 तो भी डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू द पावर 20 माइनस 3। तो हमें एस 20 मिल गया, सम मिल गया 3 इंटू टू द पावर 20 माइनस 3, और यही आंसर है, यही रिक्वायर्ड सम है।